कुछ नहीं समझ ओके आया, okay. कल जो बता रहे थे वो, अच्छा कल का पीडीएफ ही नहीं आया तो पढ़े नहीं हम। कल का पीडीएफ नहीं गया? ओ कल का पीडीएफ नहीं भेजा गया, तो बोलता नहीं, एक बार टेक्स्ट करता, टेक्स्ट भी नहीं किया गौरव। कॉल किए थे तो विशाल सर उठाए नहीं। अच्छा कॉल किया था, ओके ओके ठीक है, वो आज भिजवा दूंगा। तुम कृष्णा कल नहीं आया था? हाँ सर, कुछ काम से बाहर जाना पड़ गया था। तो कल बनाया है क्या होमवर्क जो दिए थे वो? सर आर्गुमेंट वाला ना, फंक्शन वाला? हाँ नहीं तुम तो कल आया नहीं था, इसको पूछ रहे हैं। पूरा नहीं हुआ है। बन रहा था? हाँ बन रहा था, मॉड्यूल्स का नहीं बन रहा था ओके सर। एक क्वेश्चन था उसमें, हाँ SGN2 = वो क्या है, क्या बोला? SGN2? SGN2, अच्छा वो सिग्नम फंक्शन, ठीक है बताऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे बताते हैं, या फंक्शन ही रहने दो, उसमें बताता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन किया है? सर हम कुछ क्वेश्चंस पूछ ले। हाँ बिल्कुल। सर जो होमवर्क दिए थे ना उसमें 9 नंबर। ओके 9 नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज, जेई मेंस एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2, जेई मेन। सर, आज रिजल्ट है मेंस का। तुम्हें कैसे पता, तुम तो दिए भी नहीं हो। सर हम देखते रहते हैं। अच्छा देखते रहते हो, कोई दिए हैं क्या भैया? अच्छा नहीं सर कोई नहीं दिए है फैमिली में। एक्सरसाइज 2 है ना बदमाश, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 9 नंबर, नाइन अच्छा नाइन लेट आर नंबर बी अ रिलेशन है ऑन एंड हाँ ऑफ। ओके ओके। देखो ध्यान देना, सबके लिए है, ऐसा नहीं कि जिसको बता रहे हैं वही। गौरव देखो प्रॉब्लम इसमें है, लिखा हुआ लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन। एन मीन्स क्या हो गया बताओ? नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर, ठीक एग्जैक्टली। डिफाइंड बाई, डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है, सच डेट x+2y इज इक्वल टू 8, x+2y इज इक्वल टू 8 इज गिवेन वाई, द डोमेन ऑफ आर इज, द डोमेन ऑफ आर इज, इसका डोमेन पूछा है। अब ध्यान रहे कि इसमें दिया ऑप्शंस दिया हुआ है, लेकिन अब फाइंड करते हैं इसका, कि आर जो दिया हुआ है फर्स्ट वाला सेट क्या बोला जाता था, फर्स्ट सेट को डोमेन बोला जाता था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एक रूल को फॉलो कर रहा है, आर रिलेशन हो गया, राइट। यहाँ दिया हुआ है x+2y इज इक्वल टू 8, एंड यहाँ पे एन टू एन दे दिया है, ठीक है, जो सेट होंगे नेचुरल नंबर, ये जो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब देखो एक्स और वाई निकालना है, तो यहाँ देखो फर्स्ट में, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स क्या होगा, एक्स का एलिमेंट होगा और सेकंड जो वाई का, तो सपोज 2y इज इक्वल टू, या एक्स लिख लो, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, राइट, 8 माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस xy 2, तो x भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, y भी नेचुरल नंबर, तो x का मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, 1,
तो वाई देखो क्या हो जाएगा, 8 - 1 / 2, ये नेचुरल नंबर नहीं है तो पॉसिबल एक्स इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। एक्स इज इक्वल टू 2 रखो तो वाई इज इक्वल टू 8 - 2 / 2, ये क्या आ जाएगा बोलो, 6 - 2 = 3 आएगा। फिर एक्स इज इक्वल टू 3 रखोगे तो देखो 3 रखोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नेचुरल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 4 रह सकता है तो एक्स इज इक्वल टू 4 रहेगा, तो 8 - 4 = 4/2 इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 5 नहीं होगा, 8 - 5 क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, 8 - 5 = 3, 3/2, ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, मींस रेशनल नंबर होगा। तो x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हाउ मच, 8 - 6 / 2 मींस 1। अब देखो x इज इक्वल टू 8 रखोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 रखोगे तो y का वैल्यू 0 होगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं है ना जी। तो यहां से पता चल गया कि x का वैल्यू, x और जो y का वैल्यू आएगा वो क्या क्या आएगा, ध्यान रहे, 2, 2, 4, 6, 2, 3, 4, 2 and 6, 1 ये आ गया। तो अब बोला जाए कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा, फर्स्ट वाले x का एलिमेंट, तो 2, 4, 6, समझ में आया। Yes. अगर रेंज पूछता इसका तो रेंज क्या हो जाता सर, 3, 2, 1 होता। एग्जैक्टली, समझ में आ गया। Yes, sir. Right. Then next one. जल्दी सर, वही सिग्नम, सिग्नम फंक्शन है, छोड़ दे अभी। ओके। हाँ, अभी नहीं, अभी डिस्कस करूंगा वो। और मॉड का सारा क्वेश्चन। अच्छा, मॉड में स्टिल प्रॉब्लम्स बहुत है ना। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ट्राई करो समझने का, इजी टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक, ध्यान रहे। इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स लिखा जाता है, ठीक है, और यहां पे लिखा जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ सपोज जी एक्स, तो इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट हमेशा क्या देगा, नेम से पता चल रहा है, इंटीजर देगा, मींस क्या क्या दे सकता है, सेट ऑफ जो होगा 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा, राइट। अब देखो इसका जो आउटपुट होगा, इनपुट क्या होगा, यहाँ पे इनपुट एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके लिए आ रहा है, यहाँ जो आउटपुट होगा बिलोंग्स टू इंटीजर, हमेशा आउटपुट इंटीजर होगा। अब ध्यान दो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप समझेंगे कैसे, कि अगर आप ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, सपोज ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, -1 - 2, तो देखो ध्यान रहे इसमें कि अगर इनपुट एफ एक्स यहां पे जो रखे हैं वो x का वैल्यू अगर इंटीजर है तो बॉक्स के जो बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बॉक्स से डिनोट किया जाता है, इस तरह से डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इसमें क्यों लगाया जाता है, बताता हूं। इसमें देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस क्या हो गया कि इंटीजर इंटीग्रल आउटपुट देगा, और ग्रेटेस्ट में देखो कॉन्सेप्ट दो तरह से होता है, इसमें लीस्ट, लीस्ट वाला में ग्रेटर वैल्यू देगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और दो तरह के होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर लीस्ट इंटीजर फंक्शन है वो, उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है, अगर ये 2.3 है तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, लेकिन अगर 2.3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये देखो कंप्लीट इधर, यहाँ पे क्या है, सिर्फ
वर्टिकल लाइन यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको लिस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। इसमें कंफ्यूजन होगा, जिसमें लिस्ट बोला जा रहा है उसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा, और जिसमें ग्रेटेस्ट बोला जा रहा है उसमें लिस्ट वैल्यू देगा। 10th में पढ़े हो मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया या यस सर, निकट दृष्टि दोष, बहुत कंफ्यूजन है ना। हाँ सर, होता है उसी तरह यहाँ पे डायग्राम भी, गलत बन जाता था एग्जाम में हमेशा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज होगा। लिस्ट इंटीजर हम लोग के सिलेबस में नहीं है, वो पढ़ना भी नहीं है तुम लोग को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे इंटीजर अगर इनपुट दे रहे हैं, अगर इंटीजर आएगा तो डायरेक्टली वही वैल्यू आउटपुट दे देगा, कुछ भी फिल्टर नहीं करेगा, चेंज कुछ भी नहीं करेगा, जैसा रहेगा वैसा आउटपुट देगा। लेकिन अगर इसमें इफ इनपुट अगर इसके बीच में रहेगा, किसके बीच में लिए -1 से बोलो, जीरो, हाँ, तो हमेशा आउटपुट देगा लेफ्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा, ठीक है। दो अल्फा और बीटा है, राइट, और इसके बीच में, चलो इसके बीच में कोई नंबर है, एनी नंबर अल्फा बन जाएगा, सपोज इसमें इसको जेड मान लिया नंबर को, या गामा मान लिया, और अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो आउटपुट क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा, अल्फा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब हाँ, ग्रेटेस्ट में अगर हमेशा लेफ्ट साइड में जाएंगे, हाँ लेफ्ट लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा ऑलवेज। इसमें क्या होगा, आउटपुट ऑलवेज लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू, राइट, लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू। अगर तुमको 2.3 दिया जाए, बताओ आउटपुट क्या होगा कृष्णा, 2 फिर 2, अगर 200 दिया जाए तो बताओ आउटपुट क्या होगा सर, इसमें शायद 200 होना चाहिए ना, क्योंकि पॉइंट वगैरह तो है नहीं। 200, हाँ देख -99.1 है, अगर इंटीजर इसमें लगा दिया जाए बताओ आउटपुट क्या होगा सर, इसको इसमें देखना 100 होगा, -100 होगा, हाँ अब देखना कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है। तो देखो माइनस, तो ये 99 माइनस में आ गया, -99.1 यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना, और यहाँ पे क्या हो गया, 100 हो गया माइनस में। तो अभी दो दो इंटीजर के बीच में है, -100 एंड -99.1, इट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा इंटीजर का वो -100 हो जाएगा, राइट गौरव? यस सर। गौरव नहीं है क्या? हाँ सर। आ रहा माइनस, यस सर, यहाँ पे 90.000001 है, तो बताओ इसका वैल्यू गौरव क्या होगा। बस देखना है कि कौन से दो इंटीजर के बीच में ये लाई कर रहा है, और उसके लेफ्ट लेफ्ट इंटीजर इंटीग्रल, एग्जैक्टली -91, गुड, ठीक है। ये कुछ भी रहे, अगर बीच में लाई कर रहा है वो कोई पर्टिकुलर इंटीजर के कितना ही करीब ना हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट क्या होगा, लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू आंसर होगा ऑलवेज, करेक्ट ना। चलो तो एक सेकेंड के लिए बस ऊपर, हाँ हाँ ओके, हो गया सर, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अगर देखो यहाँ पे आउटपुट हम देख रहे हैं कि केस वन में लेते हैं कि एक्स का वैल्यू ध्यान देना जीरो से, यहाँ ये ध्यान रखो ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, राइट। अब यहाँ पे सपोज ग्राफ देख रहे हैं रैंडमली, इसको रफली बना रहे हैं ग्राफ, किस तरह से नेचर से, किस नेचर को रिपीट करता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया,
वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, इस तरह से एंड सो ऑन। अब देखो सपोज वैल्यू जो है, यहां ध्यान देना, दिख रहा ना? चलो x का वैल्यू इसके बीच में लेते हैं। देखो इसके बीच में कुछ भी वैल्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री हो जाएगा। तो एग्जैक्टली माइनस थ्री पे भी क्या देगा आउटपुट, माइनस थ्री ही देगा। तो इस तरह से लेते हैं कि x जो वैल्यू है वो माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू माइनस टू। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस थ्री होगा, होगा। अरे बदमाश, देखो यहाँ ओपन इंटरवल रखे हैं, माइनस टू के जस्ट पहले वाला वैल्यू को लिए हैं इसके बीच में। अब इसके बीच में कुछ भी वैल्यू लो यहाँ पे, वो ऑलवेज क्या देगा, इवन माइनस थ्री रखोगे तो क्या होगा, आउटपुट माइनस थ्री ही देगा। तो और देखो माइनस थ्री रखोगे यहाँ पे तो माइनस थ्री ही देगा, और माइनस यहाँ ध्यान देना 2.00001 रखोगे, इसका वैल्यू क्या देगा, माइनस थ्री ही देगा। मीन्स यहाँ भी रख रहे हो तो माइनस थ्री दे रहा है, तो हर एक वैल्यू के लिए क्या दे रहा है, माइनस थ्री ही दे रहा है। लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू यस और नो बोलो। यस समझ गया। हाँ तो माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन माइनस वन, इसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस टू माइनस टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो लेस देन जीरो, तो वाई इज इक्वल टू इसके लिए माइनस वन, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन इसके लिए क्या देगा, वाई का वैल्यू जीरो देगा। वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू, वाई का वैल्यू क्या देगा, वन देगा। टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, इसके लिए वैल्यू टू देगा। अब देखो थ्री सर आवाज कट रहा है, लेस देन फोर ओके। अब देखो थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन फोर, इसका वैल्यू थ्री थ्री। अब आवाज आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। ओके अब देखो इसको प्लॉट करना चाहेंगे 2D पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 2D राइट, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस करेक्ट। अब ध्यान दो इसी वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस x का जो वैल्यू है माइनस थ्री से माइनस टू ले रहे हैं, तो आउटपुट क्या दे रहा है, माइनस थ्री दे रहा है। तो देखो यहाँ पे मार्क कर लो, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर, आउटपुट देखेंगे वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। अब ध्यान दो पहले क्या लिया जाता है, एक्स एक्सिस का वैल्यू लिया जाता है। तो एक्स एक्सिस का वैल्यू लो माइनस थ्री से माइनस टू, तो वाई का वैल्यू माइनस थ्री दे रहा है। माइनस थ्री से माइनस टू, तो वाई का वैल्यू माइनस थ्री दे रहा है। तो देखो इसके लिए इस तरह से ग्राफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे टू माइनस टू पे ओपन होगा। देखो माइनस टू पे ओपन हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखो इसके लिए देखेंगे माइनस टू से माइनस वन, तो वाई का वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस टू। माइनस टू से तो वाई का वैल्यू माइनस टू, माइनस टू से माइनस वन, यहाँ पे ओपन ठीक है। देन माइनस वन से जीरो तक जो जाएगा उसके वैल्यू यहाँ क्लोज यहाँ ओपन, वन से जीरो तक जाएगा यहाँ क्लोज यहाँ ओपन, वन से टू तक जाएगा यहाँ पे क्लोज टू पे ओपन, टू से थ्री जाएगा यहाँ पे क्लोज्ड थ्री पे ओपन। समझ में आया ग्राफ किस तरह से रिपीट किया, जो एक बार देखो नोटबुक में लिख करके और वहां पे कंपेयर करो।
मोदी यस सर, समझ में आ गया ये ग्राफ? हाँ सर। गौरव तुमको? नहीं आया सर, थोड़ा आया समझ में। ओके देन देखो यहाँ पे, देखो बना रहा हूं ये वन टू, ये सब तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, इसी में प्रॉब्लम है। वन और टू ये लोकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं सर। ये वन, ये टू, ये थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। देखो ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, राइट? अब ध्यान देना, देखो माइनस थ्री से माइनस टू जब रखेंगे, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू इस पे आएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो माइनस थ्री से माइनस टू मीन्स यहाँ पे रख रहे हैं वैल्यू, तो अगर इस इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या दे रहा है? माइनस थ्री दे रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मीन्स ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, जो आउटपुट होगा वही ना। और देखना माइनस थ्री पे क्या है, माइनस थ्री को इंक्लूड किया गया है, टू को एक्सक्लूड किया गया है, तो टू के सामने जो है उसको एक्सक्लूड कर लेंगे, इसको इंक्लूड कर लेंगे। फर्स्ट वाला समझ में आया गौरव? अभी ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो देन सिमिलरली वैसी माइनस, अब समझ में आ गया? आ गया माइनस टू से। अब नहीं बताऊ, समझ में आ गया ना? इंक्लूड कर लेंगे, हाँ यहाँ पे इक्वालिटी साइन है ना, लेस देन इक्वल है ना, तो वो वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे, जहाँ पे ओपन है, यहाँ पे देखो इक्वल साइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ओपन आ जाएगा, ओपन सर्कल। अभिषेक? यस सर। सर थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों प्लॉट करना है, सेकंड में क्यों नहीं कर सकते हम लोग इसको, क्योंकि एक्स का वैल्यू हम लोग ना माइनस से माइनस जा रहा है, वाई का कुछ... अरे तो वाई के कॉरस्पोंडिंग वैल्यू ये आ रहा है ना। अच्छा वो तो देखे ही नहीं, सॉरी सर। ठीक है, वाई के कॉरस्पोंडिंग वैल्यू माइनस थ्री जा रहा है ना, समझ में आया? यस सर समझ गए। थ्री से फोर रखे हैं इसके लिए, फोर मीन्स थ्री से फोर यहाँ जाएगा, थ्री से फोर के लिए आउटपुट कितना मिल रहा है, थ्री मिल रहा है, तो थ्री से फोर के लिए इस तरह से लाइन बना देंगे, इसके लिए आउटपुट क्या जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, समझा? हेलो यस सर, याद रहेगा ये ग्राफ, समझ गया? यस सर याद रहेगा। ओके तो हर एक इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होगा, ब्रेक होगा, जैसे वाई इज इक्वल टू टू एक्स बोला जाए, राइट? तो देखो इसका जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, आउटपुट के बारे में सोचो, जीरो वन टू थ्री फोर, निगेटिव, सिमिलरली निगेटिव में जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरह से, राइट? अब देखो जीरो कहाँ पे देगा, जब एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, टू एक्स का वैल्यू कहां से कहां होगा, इक्वल टू जीरो वन, और ये इक्वल रहना चाहिए जीरो पे जीरो, एग्जैक्टली, तो इट मीन्स यहां से वैल्यू आ गया कि जीरो से लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एक्स लेस देन वन बाई टू तक वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा, देगा जी बदमाश, कंपेयर करो ना, जीरो से वन रहेगा। यस सर समझ गए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है, तो वन से छोटा वैल्यू जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ, तो क्या होगा, ये टोटल का वैल्यू अगर जीरो से वन आ रहा है, ठीक है, ये टोटल का वैल्यू जीरो से वन दे रहा है, तो आउटपुट हमेशा क्या देगा, ये तो फिक्स हो गया, एक्स में अब चेंजेज आएगा, अगर जीरो से सॉरी यहाँ पे क्या आया, वन बाई टू, सपोज वन बाई मीन्स इस कब वन कब देगा इसका वैल्यू, जब लेस देन इक्वल टू टू होगा, हाँ टू होगा यहाँ पे, अब टू से डिवाइड दो तो वन बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन क्या आ जाएगा वन, इसके लिए वैल्यू क्या देगा, वाई का वैल्यू वन देगा, करेक्ट ना, समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं वो? बदमाश इनपुट के बारे में सोच रहे हैं, यही इनपुट है ना यहाँ पे। अरे अभिषेक? यस सर, हाँ हमको आ रहा
गौरव तुमको आ रहा है सर? देखो इनपुट का बात कर रहे हैं, इनपुट ही देख रहे हैं, ये इनपुट हो गया। अब देखो अगर y इज इक्वल टू ये 2x था, अब इसका आउटपुट अगर क्या चाहिए 3 चाहिए, तो 3 आउटपुट कब देगा जब 2x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 और ये 3 से 4 के बीच में रहेगा इसका वैल्यू। नहीं समझ रहे हो? अब 2 से डिवाइड कर लो तो 3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। है ना, ये वैल्यू आउटपुट 3 चाहिए, मींस क्या होगा कि 3 से 4 में यही किए थे ना ऊपर, वहां एक ओनली लिखे हुए थे इसीलिए डायरेक्टली आ रहा था। अच्छा चलो बताओ तुम लोग ही, y इज इक्वल टू x है, इसका वैल्यू हमको -4 चाहिए, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा? जो भी हो x का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरे बोलो, फाइंड वैल्यू ऑफ x। फाइंड करके रखो, बन गया? यस सर। क्या होगा? -4/5 इज लेस देन इक्वल टू x। हाँ ये क्या होना चाहिए, 3/5 5 x का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -4/5 लेस देन इक्वल टू बताओ -4/5 और ये -3 ठीक है, तो डिवाइड कर 5 से डिवाइड कर दो तो -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू हाउ मच, ये सबका आया था ना? यस सर। यस सर, ये इक्वल साइन होगा। हाँ सर, गुड। 3/ क्या है? यही क्या है? -3/4। हाँ सॉरी, यहाँ पे 3/5। चलो यही वैल्यू है। अब सिग्नम इसमें प्रॉपर्टीज होता है कि प्रॉपर्टीज लिख लो। प्रॉपर्टीज में लिख लेना, अगर ये इंटीजर है तो आउटपुट क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर x, ठीक है, x प्लस i बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमेशा क्या मिलेगा? राव सर रुक रुक के चलता है। x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए x प्लस i हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया,
देखो ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो अगर 5 एग्जांपल में 5 प्लस 0. अगर 2 लिखा हुआ रहे तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा प्लस 0.2 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी 5.2 का वैल्यू क्या हो रहा था, 5 ही आ रहा था। सपोज 0.009, इसका बताना वैल्यू माइनस में कितना होगा, बोलो। बोलो माइनस 0 होना, माइनस 1 होना, माइनस 0 माइनस 0 और माइनस माइनस 0 कौन बोल रहा है जी, माइनस 1 माइनस 1 होगा, ठीक है। चलो इसका वैल्यू फाइंड करो, प्लस माइनस x, दो केस में। अगर यहां पे एक केस लेना, x बिलोंग्स टू इंटीजर, सेकेंड केस लेना x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। बताओ जल्दी से बताओ, ट्राई करना है तुमको ही, क्या वैल्यू आएगा, x belongs to integer तो 0 हो जाना चाहिए। गुड, देन उसके बाद 2x, यहाँ पे अगर x belongs to integer तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बोलो 0 होगा। और यहाँ पे बताओ अगर x इंटीजर नहीं है तो कोई भी एग्जांपल ले लो ना, कोई भी एग्जांपल ले लो, x का वैल्यू कोई भी वहां पे ले लो, उसके बाद देखो कि क्या होगा। जैसे 2.3 ले लिए, ठीक है, 2.3 लोगे तो क्या होगा, 2.3 प्लस माइनस में, हाँ 2.3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 मिल जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो इसलिए -1। ये याद रखना, ये यूज होता है, डायरेक्टली यूज होगा, करेक्ट ना, यस सर। 3-4 नंबर हमेशा याद रखना, एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस वाई होगा जब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या होगा बताओ, इंटीजर, डायरेक्टली निकल जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रल x प्लस इंटीग्रल y होगा जब इसका जो बताऊंगा अभी लिख लो, f x प्लस f y लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल x प्लस इंटीग्रल y प्लस 1 हो जाएगा जब वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ वाई, 1 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई लेस देन 2 के बीच में होगा। अब देखो एफ एक्स और एफ वाई क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, वो अभी डिस्कस करूंगा, उसको रहने दो अभी, 5 लिख लो इसी में, ये वाले को अभी डिस्कस करूंगा कि क्या होता है, जो इजीली समझ जाओगे, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। अब एक लिख लो, इसके बाद ये लिख लेना, इंटीग्रल एक्स प्लस एक्स प्लस एन, स्लो जा रहा है क्या जी, लिखा रहा है जो, हाँ सर, धीरे आ रहा है सर, अप्लिक देता फिर बहुत ज्यादा धीरे जा रहा है,
बहुत स्लो। अरे तो बोलना चाहिए, हमको लग रहा था सर मेरा नेटवर्क था। हमको भी वही लग रहा था सर, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम। प्लस एक्स प्लस थ्री वाई एन, ठीक है कृष्णा, तुमको भी स्लो जा रहा है। हाँ सर। एक्स प्लस एन माइनस वन वाई एन, अगर ये वैल्यू रहेगा तो हमेशा याद रखना, देखो यहाँ x से चला है, x प्लस वन वाई एन प्लस टू वाई एन प्लस थ्री वाई एन प्लस फोर वाई एन, अगर इस तरह से है और ये लास्ट में n माइनस वन तक जाएगा, n तक नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा इंटीग्रल एन एक्स के बराबर आएगा। इस पे प्रॉब्लम आते रहता है, ये हमेशा क्या करना, याद रखना, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और जहां पे n ऑलवेज होगा, बताओ नेचुरल नंबर होगा ये भी। जैसे देखो एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज चलो यहाँ लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x प्लस, यहाँ जो लिखा हुआ है वो x प्लस वन बाई थ्री, यार ये गड़बड़ा कैसे जाता है, हाँ प्लस यहाँ पे देखो x प्लस टू बाई थ्री, अब ध्यान दो यहाँ देखो थ्री चला था तो वन बाई थ्री टू बाई थ्री तक ही जाएगा, थ्री बाई थ्री तक नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है बताओ, थ्री है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री एक्स, करेक्ट ना, तो ये ध्यान रखना, समटाइम्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू तुमको बोल दिया जाए वन बाई टू, तो वन बाई टू तो यहाँ से वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पे दिया हुआ रहेगा वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री, अगर इसका वैल्यू फाइंड करने बोले तो ये देखो x का वैल्यू क्या है वन बाई टू है, करेक्ट ना, वन बाई टू, n का वैल्यू थ्री है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा एन एक्स दिस इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू थ्री, तो थ्री बाई टू मीन्स कितना, सॉल्यूशन जो फाइनली आएगा वो वन आ जाएगा, ट्राई कर लेना, पुट करके देखोगे आ जाएगा, समझ में आया, हेलो यस सर, ठीक है, इस तरह से होता है। अब ध्यान दो एक और फॉर्मूला आता है, अगर याद रहेगा तो ठीक है, इसमें एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये याद रखना है डायरेक्टली, प्लस Yes, sir. हाँ देखो उसको समझाएंगे, वो जो ऊपर पार्ट आया था ना उसको बाद में, यहाँ पे n प्लस फोर p
प्लस एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई एट प्लस, तुम्हारे तरफ भी रुक रहा है? यस सर, बहुत रुक रहा है। हाँ सर, एन प्लस एट बहुत रुक रहा है, दिक्कत है नहीं है। प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसका जो वैल्यू आएगा वो एन होगा। इसका जो वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है, टू से स्टार्ट होगा, यहाँ वन रहेगा, तो यहाँ फोर होगा, तो यहाँ पे टू रहेगा, हाफ रहेगा। एट रहेगा तो इसका हाफ रहेगा। फिर यहाँ पे देखो, एट है, यहाँ 16 है, तो उसका हाफ रहेगा। लेकिन वो इसी तरह से चलेगा कि एन प्लस टू पे पावर जीरो बाई टू, ठीक है, प्लस एन प्लस टू पे पावर वन बाई टू का स्क्वायर, प्लस एन प्लस टू पे पावर टू बाई टू पे पावर क्यू, प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। इसका वैल्यू जो आएगा वो एन आएगा, ऑलवेज एन आएगा। बहुत कम इसका यूज है, बट ठीक। सर ऐसा क्यों सर, इसका कोई प्रूवन वगैरह? इसका प्रूव अभी पढ़ना नहीं है, याद रखना चाहते हो तो रख लेना इसका भी, इसका बाद में 12th में बताऊंगा इसका प्रूफ। ये यूज होता है, ये याद ही रखना है, बहुत जरूरी, ये वाला याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, इसको याद रखना है। डायरेक्टली अगर याद रहता है तो ठीक है, एग्जाम्पल से बनना चाहिए। इसका वैल्यू ये 12th में बताऊंगा, 12th में जाओगे तो इसका फोर वाला का एग्जांपल से बताता हूँ। देखो अभी एक पढ़ा देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट। ये डिनोटेड बाई करली ब्रैकेट ऑफ एक्स, ठीक है, करली ब्रैकेट ऑफ एक्स। तो करली ब्रैकेट इसका जो वैल्यू होता है, अब सर आप कुछ लिख रहे हैं? हेलो, अभी तक तो कुछ लिखा नहीं। हाँ बोलो सर, आप कुछ लिख रहे हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा है? हाँ, कुछ तो आ ही नहीं रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स गया, अब आया सर, अब आया डिनोटेड बाय एन कर्ली ब्रैकेट एन तक। ये सर आगे एन नहीं है, ये एक्स है, एक्स है सर। ओ, ये स्लो चल रहा है थोड़ा, रुक जाओ, कितना टाइम हुआ है अभी? 5 मिनट है, 5 मिनट है। यार तुम लोग का क्लास भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, डेली क्लास कर सकते हो क्या? कर लेंगे सर डेली, मैथ्स का। यस सर, लगा दीजिए, क्योंकि खत्म नहीं होगा, तुम लोग बहुत पीछे हो। हाँ लगा दीजिए सर। ओके, हम बात करते हैं, ये एक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, डिनोटेड बाई एक्स, एंड इसका जो वैल्यू होगा, लिखा रहा है उधर वैल्यू हमेशा, yes, कुछ जा रहा है, वैल्यू क्या है? वैल्यू आया सर। हाँ अच्छा, अब आया, ओके। तो इसमें कोई ये नहीं है रिकॉर्ड करने